स्वागत तो करो हमारा। हाय नमस्कार, मेरा नाम जेनिस गाड़िया है और मेरे YouTube चैनल पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं एक यूट्यूबर हूं, मेरी YouTube चैनल का नाम जेनिस गाड़िया आर एंड अनबॉक्सिंग है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब आपको भी एक मेरी तरह यूट्यूबर बनना है और कोई भी आपको वीडियो बनाना है तो सब्सक्राइब कर लो पहले। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपको ऐसे कौन कौन से चीज़ें चाहिए जो आपको यूट्यूबर बनने में मदद कर सकती है। तो सबसे पहले तो हम Redmi 9A का अनबॉक्सिंग करेंगे जो आपको वीडियो बनाने में मदद करेगा। तो बात करें हम Redmi 9A मोबाइल की, तो उसमें आपको सामने वाला कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलता है और अपना थोपड़ा कैप्चर करने के लिए कुछ भी सेल्फी कैमरा आपको मिलता है कुछ 5 मेगापिक्सल का, जो कि अच्छा है, मैंने भी यूज किया है। और बात करें हम उसकी, मजा नहीं आ रहा है। दोस्तों ये है Redmi 9A का मोबाइल जो कि अभी Xiaomi Redmi ने इंडिया में लॉन्च किया और ये काफी बजट लेवल मोबाइल है। तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। वाह क्या सीन है। तो बात करें हम इस मोबाइल की, तो आपको ये मोबाइल 6799 यानी कि 6800 रुपए में मिल जाता है। और आज के वीडियो में आज हम इस मोबाइल का अनबॉक्सिंग करेंगे और बताएंगे कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर मिलेंगे, मतलब आपको इनमें कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो चलिए इस मोबाइल को हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 6.25 इंच का इसका डिस्प्ले है, 5000 mAh की इसकी बैटरी है और 13 मेगापिक्सल का आपको यहाँ कैमरा मिल जाता है। तो आप करते हैं इसको अनबॉक्सिंग करते हैं तो ये यहाँ पर आपको मिल जाता है एक मोबाइल जो कि मिलता ही है। तो मोबाइल को रख देते हैं हम साइड में और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक सिम एडेप्टर टूल और साथ में ये आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है और ये है चार्जर जो कि 10 वोल्ट का है, लेकिन ये फास्ट चार्जर सपोर्ट नहीं है। और ये है उसका केबल जिससे कि आप चार्जिंग कर सकते हैं। और ये और दोस्तों ये है Redmi 9A का मोबाइल जो कि है अभी ब्लू कलर में। और हाँ, इसमें दो और कलर है, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आप उंगली फेर सकते हैं तो आपको कुछ आवाज आएगी, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा मोबाइल है, बजट मोबाइल है। और ये आप यहाँ पर डिजाइन देख सके, काफी अच्छा लुकिंग है ये। और ये कैमरा जो कि बस सिंगल दिया गया है, लेकिन अच्छा होगा, देखने के बाद पता चलेगा। बात करें मोबाइल की तो थोड़ा सा आपको ये भारी भी मिलता है क्योंकि 5000 mAh की बैटरी भी है इसके अंदर इसलिए। और इसके फ्रंट व्यू की बात करें, चलिए इस कवर को हटाते हैं और इसके मेन डिस्प्ले को देखते हैं। अरे वाह, चलिए बात करते हैं फिजिकल व्यू की। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक USB पोर्ट जो कि चार्जिंग के लिए है, माइक्रो USB पोर्ट। और साइड में आपको स्पीकर मिल जाता है और ये है प्रीमियम माइक जो कि आपको अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए मिल जाता है। और साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन, वो आपको सिम कार्ड ट्रे मिल जाता है। और सबसे ऊपर की बात करें तो वहाँ पर आपको मिल जाता है हेडफोन या फिर आप, तो जैसा कि मोबाइल हमारा हो गया है सेटअप। और बात करें हम इसके डिस्प्ले की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि इसकी मोबाइल की डिस्प्ले है वो है 6.5 इंच और इस रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। बात करें हम इसके डिस्प्ले की और इसके क्लियरिटी की, तो इसमें 720 पिक्सल का क्लियरिटी है इस मोबाइल के अंदर, डिस्प्ले के अंदर। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको इसके डिस्प्ले के अंदर कोई क्या कहते हैं परेशानी होगी क्योंकि अच्छा है इसका डिस्प्ले और इतनी क्या कहते हैं बजट लेवल ये डिस्प्ले है तो आप शायद इसमें गेम नहीं खेलेंगे, मेरी आपसे यही दुआ है। इसके अलावा
हम बात करें इसके मोबाइल के वर्जन की तो आपको इसमें मिल जाता है एंड्रॉइड 11 जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 10 के ऊपर। और बात करें हम इसके कैमरे की तो वो है बस सिंगल रियर कैमरा है, 9 माइक्रो सेंसर, 13 मेगापिक्सल का आपको यहाँ कैमरा मिल जाता है। और चलिए चेक करते हैं इसके कुछ इमेजेस की कैसे इसका कुछ क्लियरिटी है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक पिक्चर क्लिक कर ली है और चलिए इसको जूम करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर 5000 mAh लिखा हुआ है, ठीक है, इतना अच्छा नहीं कह सकते हाँ, लेकिन आप थोड़े से और ज़्यादा यदि पैसे इकट्ठा करके कुछ अच्छा मोबाइल लेते हो तो आपको इससे ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन हाँ यदि आप मीडियम फैमिली से हैं तो यही आपके लिए सही है, समझे। गजब बेइज्जती है। तो बात करें भाई डेली यूजर्स की तो भाई आपके लिए मोबाइल बहुत अच्छा है और गेमिंग बेबिंग की मत सोचिएगा वरना इस मोबाइल की फट के हाथ में आ जाएगी, समझे, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत कम है, सिर्फ 2.5 GHz, इसलिए आप गेमिंग का तो ख्याल ही मत लाइएगा, समझे। और हाँ बात करें हम इसके, और वैसे मुझे पता नहीं था कि इसमें वो फेस सिक्योरिटी भी है, लेकिन मिल गई है तो चलिए अब चेक भी कर लेते हैं। मैं अभी यहाँ से रजिस्टर कर लेता हूँ इस सेटिंग में से और चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत जल्दी से हो गया, और चलिए अब टेस्ट करते हैं इसका फेस सिक्योरिटी कैसे काम करता है, फेस अनलॉक कैसे काम करता है। तो इतना ज़्यादा स्लो भी नहीं है और इतना ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, वैसे प्राइस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि अच्छा मोबाइल है। तो अब दोस्तों बात करें इस मोबाइल की बैटरी की तो इसमें मिल जाती है आपको 5000 mAh की बैटरी जो कि एक एंट्री लेवल मोबाइल में बहुत ज़रूरी होती है। तो और हाँ बात करें इसके चार्जर की तो आपको यहाँ पर 10 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रहे कि इस बैटरी को चार्ज करते वक्त आपको मोबाइल को चार्ज होते वक्त इस 5000 mAh की बैटरी को चार्ज होते वक्त कुछ 3 घंटे लगेंगे, जिस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था Redmi 9A का अनबॉक्सिंग जो कि है एक एंटी लेवल मोबाइल, बजट लेवल मोबाइल है, हाँ अच्छा है ये मोबाइल यदि आप हाँ, लेकिन थोड़े से आप और पैसे इकट्ठे करते हो तो आप इससे भी अच्छा मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन हाँ आप यदि मीडियम फैमिली से है तो ये मोबाइल आपके लिए ठीक है। वैसे हाँ ये बात याद रहे कि बजट लेवल मोबाइल में कभी ना गेम खेल कर उसकी गांड नहीं मारी जाती। और हाँ इस मोबाइल को यदि आप बाय करना चाहते खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले रखी है, वहां से आप खरीद सकते हैं। और हाँ यदि आप ये वीडियो कंप्यूटर में देख रहे हैं तो आपको दाई ओर एक लाल बटन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक कर दीजिए। यदि ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं सीधा रख के तो लाल अक्षर में वो सब्सक्राइब लिखा है वहां पर क्लिक कर दीजिए। यदि उल्टा देख रहे हैं मोबाइल में तो एक काम कीजिए, अपनी उंगली से ऊपर की ओर और थोड़ा सा सरकाइए और क्या कहते हैं राइट साइड में एक ग्रे कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा वहां पर क्लिक कर दीजिए, और जो बाजू में घंटी का बटन है वहां पर दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में कुछ शानदार होने वाला है गाइज, हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अगले वीडियो में कैनन का कैमरा, अब वो कौन सा होगा वो तो पता नहीं, लेकिन अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और हाँ आप जो कुछ भी या कोई भी चीज आपको खरीदनी है सिवाय कॉन्डोम के तो उसकी कमेंट मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं तुरंत। कमेंट कीजिए फटाफट और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूल।